दर्शकों नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे। आज मैं आपको, जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना काल में हम क्या करें कि कुछ व्यवसाय हमारा शुरू हो जाए। उसी व्यवसाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र में एक युवा क्या कर सकता है, उसके लिए एक नया व्यवसाय हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने। जिसे आप शुरू कर सकते हैं अपने गाँव में ही, छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत ग्रामीण भाई, किसान भाई कुछ गलतियां कर देते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में। जो यूनिट हम लगाते हैं उसमें पहली गलती क्या है कि जैसे हम कोई फिट बनाते हैं तो उसमें तुरंत ही हम क्या करते हैं कि गोबर लाए और उस पर हमने डाल दिया। लेकिन गोबर हमें तुरंत नहीं डालना है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर गोबर एक हफ्ते पहले लाकर यहाँ डाल दिया गया है, ताकि गोबर के अंदर जो मीथेन गैस होती है वो हम एकदम इसमें डाल देंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो केंचुए होते हैं वो उसकी गर्मी से मर जाते हैं और हमारा प्रोडक्शन जीरो हो जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गोबर लेके आएंगे तो गोबर हम पहले एक तरफ रखेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इस पर डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पर दो तीन परत निकाली जा चुकी है और इकट्ठा करके हमने क्या किया कि यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जैविक खाद। अब इसके से हम छान कर उनको हम छोटे छोटे बैग उसमें हम भरेंगे। तो हमने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं नया वर्मी कंपोस्ट चालू करते समय, कि ये जो दूरी है ये वाली, ये कम से कम 2.5 फुट होनी चाहिए, ताकि हम पैरों से पैर रखने के लिए आसानी हो जाए और हम सही से सारे खाद को पीछे की तरफ इकट्ठा कर सकते हैं। और ये जो लंबाई आप देख रहे हैं 10 से 12 फीट की, ये भी अपने सहूलियत के हिसाब से आप कर सकते हैं। मानक तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करना है। इसकी जो चौड़ाई है 2.5 फीट से 3 फीट तक और लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। इससे हम अपना ये काम आरंभ कर सकते हैं जीरो लेवल से। दो तीन चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा, आइए। आपको बताना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट और रासायनिक खाद की तुलना की कैसे की जाती है। किसान भाई कहते हैं, या जिसको अधिकतर जो नए व्यक्ति इस कार्य को शुरू करेंगे तो वो सोचते हैं कि इसमें अंतर क्या है। तो किसी भी चीज़ का हमारे उसको अगर लाभ बताया जाए तो और व्यक्ति का इंटरेस्ट इसमें जगता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है, अत्यधिक सस्ता है, जबकि जो हम रासायनिक खाद का यूज करते हैं काफ़ी महंगा है। इसलिए हम इसका प्रयोग करके अपनी जो आमदनी बढ़ानी है, आमदनी तभी बढ़ती है जब हम खर्चों को कम कर देंगे। रासायनिक खाद अगर हम खेतों में डालते हैं तो महंगा पड़ता है, जबकि अब वर्मी कंपोस्ट बहुत सस्ता है। मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, जो वर्मी कंपोस्ट है जो उर्वरा शक्ति है खेत की उसको बढ़ाता है, जबकि ये निरंतर उपयोग से उर्वरा शक्ति कम होती है। पैदावार तो होती है लेकिन इससे उपयोग से उर्वरा शक्ति कम होती है। जल व जमीन व हवा स्वच्छ होते हैं, वर्मी कंपोस्ट प्रदूषण फैलता है। पानी की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि इसमें जैविक खाद में नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण पानी की आवश्यकता कम होगी, जबकि खेती के लिए पानी की अधिक जरूरत पड़ती है। कीटनाशकों के प्रयोग में कमी होती है इसके माध्यम से, क्योंकि कीटनाशकों की अत्यधिक आवश्यकता है। तो हम उर्वरा शक्ति करते डालते हैं रासायनिक खाद, तो उसके कई कीटनाशक हमारे खेतों में उपज जाते हैं, जिनके निवारण के लिए हम पेस्टिसाइड वगैरह लगाते हैं, ताकि कीटनाशक लगाते हैं, ताकि और भी खर्चा हमारा बढ़ जाता है। हमें अपनी आमदनी दोगुनी करना है और खर्चा कम करना है। इसके साथ ही फसलों व फलों के स्वाद में वृद्धि होती है। हम कोई प्रोडक्ट सब्जियां लगाते हैं या फूल या फल लगाते हैं, उसका मुख्य बिंदु जो होता है वो होता है स्वाद। अगर स्वाद ही ठीक ना हो तो फल में मज़ा नहीं आता। तो आप फसलों के स्वाद में वृद्धि होती है, जबकि इसके स्वाद में कमी होती है। प्रोडक्शन तो होता है जिसके मिट्टी के अंदर हमारे फफूंदी नहीं जमती, फंगस नहीं आती और उसकी उर्वरा शक्ति 8 से 10 गुना ज़्यादा बन जाती है। एक एकड़ में लगभग 2.5 मैट्रिक टन इसमें प्रयोग होता है, जिसमें हमें पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो जल धारण क्षमता है काफ़ी दिनों तक बनी रहती है, मिट्टी उपजाऊ होती है। एक किस्म से जो जैविक प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से वो चालू होना शुरू हो जाती है साल दर साल। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारी जो उपज है वो काफ़ी बढ़ावा देती है और हमें एक शुद्ध जैविक फसल का खाद्यान्न का उत्पादन होता है। और रासायनिक की बात है, जो भी
हम जो खाद प्रयोग करते हैं रसायन, जैसे यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, नाइट्रोजन खाद, पोटाश, एनपीके, बाकी जो हमारे रासायनिक स्रोत है खाद देने के, वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, उससे हमारा प्रदूषण भी होता है और हमारी धरती काफ़ी प्रदूषित होती है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट से हमारी धरती प्रदूषित नहीं होती, और एक जो जैविक पद्धति है, जो जैविक प्रोसेसिंग है, उससे काफ़ी बढ़ावा मिलता है, और रासायनिक खाद की जो स्थिति है उसमें जो लागत आती है उससे लगभग 10 से 12 गुना काफ़ी कम हो जाती है। अगर एक बीघे में हमारा रासायनिक खाद डाल के 5000 रुपये प्रति बीघा खर्चा आ रहा है, तो रासायनिक खाद से उसमें लगभग 500-600 रुपये जाता है, और उत्पादन क्षमता भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो हम किसानों को इसलिए जागरूक करते हैं कि भाई तुम रासायनिक खाद के तुलना में इसका ज़्यादा उपयोग करो, और अपना शुद्ध जैविक खाद्यान्न तैयार करो, और अपने समाज को, देश को इसे रासायनिक और जहर से मुक्ति दिलवाना हमारा वेस्ट। आपके पास करना चाहूँगा सर, एक चीज़ और, जैसे कि ग्रामीण युवा कितने कम से कम लागत से इस कार्य को शुरू कर सकता है, मिनिमम कितने से शुरू कर सकता है? अगर एक यूनिट की बात की जाए तो उसमें 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति यूनिट का खर्चा जाता है इसमें टोटल, और वो आपका लगभग 25-30 साल से ज़्यादा प्रयोग में आ जाता है। उसमें जो लागत की स्थिति है वो बहुत ही कम है, और एक जो गाय होती है वो 2 हेक्टर तक की जो हमारी खेती है उसके लिए एक वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की संभावना बनी रहती है 1 साल तक प्रतिवर्ष। तो कुल मिला के कहा जाता है कि एक रासायनिक खाद की तुलना में वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा उपयोगी और अच्छा टिकाऊ और ज़्यादा फायदेमंद है। और खासकर बात है कि जो एक जहर से और रासायनिक खाद से जो मुक्ति से खाद्यान्न तैयार होता है उससे ज़्यादा बेटर है हमारा वर्मी कंपोस्ट। जैसे कि इसमें कई सारी योजनाएँ आती हैं, तो कोई कृषि विभाग या सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी कुछ योजनाएं हैं क्या वो है? हाँ, इसमें ग्राम स्तर पे क्या होता है कि हर गांव में एक किसानों को जागरूक करने के लिए एक जो किसान होता है मध्यम वर्ग का, उसके यहाँ पर एक यूनिट की स्थापना की जाती है, जिसमें 8000 रुपये किसान लगाता है और 6000 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उसके खाते में सब्सिडी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि हम किसानों को जागरूक करें। लगभग इसमें 70-80% ऐसे किसान हैं जिसे वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती के बारे में नहीं पता। तो हमारा मकसद ये है कि गांव-गांव जाना, घर घर जाना और उनके घर में यूनिट लगाना, हमारा माध्यम मकसद ये होता है कि तुम जैविक खेती को बढ़ावा दो, और उसमें सरकार काफ़ी प्रोत्साहन है, और ये हमारा कामयाब भी हो रहा है। जिस गांव में हम जा रहे हैं, हम इंस्टीब्यूट करवाए हैं, वर्मी कंपोस्ट करवाए हैं, वहाँ पर लोग जागरूक हो रहे हैं, और सहारनपुर ज़िले में ऐसे काफ़ी किसान हो चुके हैं जो जैविक खेती को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसलिए हमारा सहारनपुर स्वच्छ हरा भरा है। तो जो आपने सब्सिडी वाली योजना बताई थी आगे जी, ये किस विभाग से संबंधित है? ये कृषि विभाग से संबंधित है। कृषि विभाग में क्या होता है कि सरकार की योजनाओं के अधीन, तो इसमें एक गांव में प्रति 2 यूनिट लग रही है, और शायद आने वाले समय में 10 यूनिट की तरफ से बढ़ावा है, क्योंकि जो हमारे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, उन्होंने सहारनपुर का दौरा किया था, तो उस स्थिति में देखा कि ये काफ़ी प्रयास है, काफ़ी अच्छा प्रगति की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हर गाँव में 2 से बढ़ा के 10 यूनिट आप करो, और ऐसे किसान इसमें चुनो जो इसके लिए किसानों को प्रेरित करे, जागरूक करे, ताकि किसान इसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमाए और शुद्ध जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दे। तो ये पोर्टल पे ऑनलाइन होता है रजिस्ट्रेशन? नहीं, ये कृषि विभाग से जो हमारा कृषि कार्यालय है हमारे ग्राम पंचायत में, तो उससे संपर्क करना पड़ता है, तो उसका किसान का नाम वो ऊपर कृषि विभाग में भेजता है, तो उसका जो वर्मी कंपोस्ट का जो यूनिट होती है वो गाँव के किस एरिया से है, किस मेन रोड पर है, और गांव से कितनी उसमें है, तो स्थिति में उसका भूमि का चयन किया जाता है, तो उसी आधार पे उसे उसका नाम चयन किया जाएगा, जिसमें कि काफ़ी अच्छा यूनिट के समाज के काफ़ी नज़दीक होगी। बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं हमारे त्यागी जी, तो इनसे और भी जानकारी हम लेने जाएंगे। जो एक आम युवा की जिज्ञासा होती है, जैसे कि बेड खाली है फिलहाल, तो इसमें जो केचुए हैं भर्ती में तुम चले जाएंगे? नहीं, उसमें था क्या कि हमें जो इसमें वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चाहिए, उसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से तैयार करना होता है ताकि हमारे वर्मी जो केंचे होते हैं वो बचे रहे। हम क्या करते हैं इसमें, जो इसकी चौड़ाई है वो 3 फुट के करीब होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे बैठते हैं ताकि हाथों से बराबर बराबर इसका वर्मी निकल जाए, और हम इसमें जो कार्य स्थिति है वो सही रूप से चलता है। और इसकी लंबाई आप 12 से 10-15 कितनी बढ़ा सकते हो, वो आपके डिस्टेंस के हिसाब से होता है। जो ईंटों के होते हैं वो 1.5 फुट ऊंचाई होती है, और जो ईंटों की चौड़ाई है वो 9 इंच के करीब है, 2 ईंट बराबर होती है, और सबसे नीचे से कच्चा रखते हैं, क्योंकि आप जो बता रहे कि वर्मी से नीचे से जाएंगे, इसमें हम कच्चा गोबर डालते हैं, शुद्ध ताज़ा कच्चा गोबर, तो उसे हम 10 से 15 दिन के लिए हवा में, खुली हवा में छोड़ देते हैं,
तो उसके अंदर जो हमारे हाइड्रोजन और ये मीथेन गैस होती है ये हमारी वाष्पीकरण होनी शुरू हो जाती है। तो 10-15 दिन के बाद बिल्कुल नींद हो जाती है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसमें गोबर डालेंगे तो जो हमारे वर्मी है तो जो स्टीम होती है, भाप होती है, उसके माध्यम से वो मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें वो खुला गोबर छोड़ना पड़ता है ताकि उसकी मीथेन गैस निकल जाए। तो हम इसे नीचे एक हल्का सा पुआल डालते हैं, पत्ते वगैरह सड़ा, फिर गोबर की स्टेज लगाते हैं, फिर हल्के से हम वर्मी छोड़ के ऊपर हार्ड की स्टेज हम इसमें गोबर की कर देते हैं। तो एक कवर नुमा हम स्थिति बना देते हैं ताकि ये अपने भोजन के रूप में इसे प्रयोग करेंगे और मल के रूप में इसे हमें खाद के रूप में हमें देते रहेंगे। तो प्रोसेसिंग नीचे जाती रहेगी। जब स्थिति हमें ऐसे लगे कि हाँ 4-5 इंच हमारा वर्मी तैयार हो गया, क्योंकि फिर ज़्यादा नीचे जाने से क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है और वर्मी मरने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये ऊपर की ले उतारते हैं, उसमें हर 10-15 दिन के 10-15 फुट के डिस्टेंस पर टीन लगाई जाती है और रोज डेली हम इसमें पानी का छिड़काव करते हैं ताकि इसमें नमी की मात्रा 15-20 डिग्री सेल्सियस बनी रहे। जैसे कि त्यागी जी, इसमें हमने लगा दिया सब कुछ, गोबर डाल दिया, गोबर डालने के बाद कितने दिनों बाद हमें खाद की परत हटानी चाहिए ताकि हम खाद का प्रयोग कर सकें, खाद का यूज कर सकें? कितने दिन गोबर छोड़ने के बाद हम यूज छोड़ देना चाहिए? इस स्थिति होती है हमें थोड़ा सा मौसम के अनुसार, जैसे गर्मी का मौसम होता है तो उसमें 20-25 दिन के बीच में हमारी परत बन जाती है, उससे जल्दी बन जाती है। और जैसे बरसात का मौसम होता है वो थोड़ा सा 5-10 दिन का अंतर हो जाता है, जैसे सर्दी का मौसम है 30-35 दिन का भी अंतर हो जाता है इसमें। तो मौसम के अनुसार अपना कार्य करते हैं, तो गर्मी की स्थिति में ज़्यादा करें। सबसे बड़ी बात होती है कि तापमान, अगर हमारा तापमान बिल्कुल सही तरीके से गर्मी चल रहा है तो 20-25 दिन के बाद 8-10 गुना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर हमारे एक एकड़ में 6 ट्राली गोबर की डलती है तो एक ट्राली इसका पूरा पाड़ देती है। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी का। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल से सनातन हमारी जो संस्कृति है भारत की, इसमें रोजगार के अवसर बहुत हैं। ये जो जैविक खेती, ये नहीं कि आज से चल रही, बहुत प्राचीन काल से चल रही है। हम बचपन में किताबों में पढ़ते आए हैं केचुआ किसानों का मित्र होता है, लेकिन आप देख रहे हैं रासायनिक खाद के कारण वो जो मित्र है किसान का, वो खत्म होता चला गया है, हमारी धरती से लुप्त हो चुका है। और जब मित्र किसानों का था वो चला गया, तो आप देख ही सकते हैं पंजाब में, हरियाणा में जैविक लोग किसान वहाँ पर उपज तो पैदावार अच्छा करते हैं, लेकिन खुद खाने के लिए दूसरे राज्यों से अनाज मंगाते हैं जो कि जैविक खेती जहाँ होती है। इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन पंजाब हरियाणा में किया जा रहा है। और यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद हमारे आरसीटी में 10 दिवसीय प्रशिक्षण है डेयरी फार्मिंग और वर्मी कम्पोस्ट, जिसमें 4 दिन वर्मी कम्पोस्ट के ऊपर विशेषज्ञों की टीम सिखाती है उनको, त्यागी जी बताते हैं, और ये जो यूनिट के साथ साथ अन्य यूनिट भी दिखाया जाता है ताकि वो अपना कार्य कर सकें। तो सभी बेरोजगार युवाओं से मेरा अनुरोध है कि इस डेयरी फार्मिंग और वर्मी कम्पोस्ट का जो 10 दिवसीय प्रशिक्षण है आरसीटी में संचालित है, प्रत्येक जिले में लीड बैंक होता है और उस लीड बैंक के माध्यम से आरसीटी की स्थापना होती है, जिसे कहते हैं हम ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, प्रत्येक जिले में स्थापित होती है, आप वहां जा सकते हैं या वहां पर जो भी लीड बैंक है उससे जानकारी ले सकते हैं कि यहां पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कहां है। इसमें आप डेयरी फार्मिंग, वर्मी कम्पोस्ट 10 दिवसीय प्रशिक्षण है, भोजन की व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था, किसी प्रकार का आपका कोई खर्च नहीं, और खर्च उपरांत अगर आपको ऋण की आवश्यकता है भविष्य में अपना यूनिट स्थापना करने के लिए, तो बैंक से ऋण के लिए भी आवेदन किया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि आप डिफॉल्टर हो, किसी बैंक से आपका कर्ज खराब ना चल रहा, सही चल रहा, तब आप उसके पात्र हैं।